ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं भीम मौर्या। आज लेकर आया हूं ड्रा ए स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए 4 पॉइंट स्टार्टर। पिछले वीडियो में मैंने 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में उसके ड्राइंग कनेक्शन और वर्किंग के बारे में बताया था। आज मैं 4 पॉइंट स्टार्टर के ड्राइंग कनेक्शन और वर्किंग के बारे में बताएँगे। अब हम 4 पॉइंट स्टार्टर के ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे। हमने 4 पॉइंट स्टार्टर का रेजिस्टेंस बना लिया है। अब हम इसका हैंडल बनाने जा रहे हैं। हैंडल जब भी बनाएंगे ठीक मिडिल से बनाएंगे। ये 4 पॉइंट स्टार्टर का हैंडल हो गया। यहाँ आप पोजीशन होता है, यहाँ पे ऑन पोजीशन होता है। अब हम ओवरलोड कॉइल बनाएंगे। ओवरलोड जो कॉइल होती है उसमें मोटी तार और कम टर्न की कॉइल बनी होती है जो हैंडल के साथ सीरीज में जुड़ी होती है और एक बाहर सप्लाई के लिए वायर निकल जाती है। इसको OLC से डिनोट करते हैं। OLC का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड कॉइल। इसके नीचे एक लीवर होती है। जो लीवर होती है धातु की लीवर होती है। यहाँ पे एक ओवरलोड कॉइल होती है, यहाँ पे एक नो बोल्ट कॉइल होती है जो पतले तार ज़्यादा टर्न देकर बनाई जाती है। इसमें से 2 सिरे निकलते हैं। दोनों सिरों को हम क्या करते हैं, लीवर के साथ लीवर के ऊपर रख देते हैं। यहाँ से हम सीधे एक वायर निकालेंगे और फील्ड में देंगे। सबसे पहले हम इस वायर को नो बोल्ट कॉइल के साथ कनेक्ट करते हैं जैसे नो बोल्ट कॉइल को सप्लाई मिलती रहे। ठीक है, उसके बाद फील्ड के लिए बाहर वायर निकाल लेते हैं। यहाँ से एक बार हम 3 पॉइंट और 4 पॉइंट में अंतर देख लेते हैं। अंतर क्या है, पहले हम 3 पॉइंट में जो भी फील्ड का वायर निकालते थे नो बोल्ट कॉइल के सीरीज में निकालते थे, लेकिन 4 पॉइंट में नो बोल्ट कॉइल के सीरीज में नहीं निकाल रहे हैं। इसका एक रीज़न है, मैं बताता हूँ। देखिए 3 पॉइंट स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर है। मैंने 3 पॉइंट में जो नो बोल्ट कॉइल है इसके सीरीज में फील्ड का कनेक्शन निकाला है यहाँ से होते हुए। ठीक है, अब इसके सीरीज में हमने फील्ड का निकाला है। लेकिन हम 4 पॉइंट कॉइल में क्या कर रहे हैं, 4 पॉइंट स्टार्टर में क्या कर रहे हैं कि सीरीज में न निकाल कर सीधा हम यहीं से फील्ड के लिए वायर निकाल दे रहे हैं। इसका रीजन यह है कि जैसे जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है इसमें जो लिमिट स्पीड होती है, कोई भी मोटर की लिमिट स्पीड मान लें कि हम 1500 आरपीएम का मोटर है। ठीक है, तो लिमिट स्पीड से कम स्पीड करने के लिए हम क्या करते थे कि जो आर्मेचर है उसके सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के हम PD को मतलब पोटेंशियल डिफरेंस को कम करके इसकी स्पीड घटा लेते थे। ठीक है, लेकिन जब स्पीड बढ़ाने की बात आए तो हम फील्ड में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के फ्लक्स का मान कम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके सीरीज में नो वोल्ट कॉइल लगी होती है। अगर इसके सीरीज में हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा के फ्लक्स का मान
घटाएंगे तो ये जो नो बोल्ट क्वाइल की जो मैग्नेट है वो कमज़ोर हो जाएगी और ये हैंडल को छोड़ देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर लिमिट स्पीड से अधिक स्पीड के लिए, मान लें कि 1500 आरपीएम है, हमको 2000-3000 आरपीएम बढ़ाना है, तो हम फील्ड के साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें संभव नहीं है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फोर पॉइंट में सीधे यहाँ से सीरीज में नो बोल्ट कॉइल के सीरीज में ना लेकर हम सीधे हम यहाँ पे फील्ड का कनेक्शन दे देते हैं, जैसे मैंने फोर पॉइंट स्टार्टर में दिखाया था। देखिए हमने फोर पॉइंट स्टार्टर में सीधे यहाँ से फील्ड के लिए सप्लाई निकाल लिया है, इसके सीरीज में ना दिया है, नो बोल्ट कॉइल के सीरीज में ना दिया है, ठीक है। लेकिन जो नो बोल्ट कॉइल होती है वो 110 वोल्ट के लिए बनी होती है, ठीक है। कितने के लिए बनी होती है, 110 वोल्ट के लिए। अगर हम इसके सीरीज में फील्ड कनेक्शन ना दें तो ये जल जाएगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस 110 वोल्टेज के लिए रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जो नो बोल्ट कॉइल को जलने ना दे, और यहाँ सप्लाई के लिए माइनस दे देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में तो हमेशा हम आर्मेचर के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होता है, अगर उसको सीधे सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो वो जल जाएगा, इसलिए हम आर्मेचर को सीधे सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे फोर पॉइंट स्टार्टर का कनेक्शन पूरा हुआ, थ्री पॉइंट और फोर पॉइंट में अंतर यही है कि उसमें तीन टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे चार टर्मिनल होते हैं, और एक अंतर ये भी है कि थ्री पॉइंट स्टार्टर को हम शंट मोटर के लिए यूज करते हैं और फोर पॉइंट स्टार्टर को हम कंपाउंड मोटर के लिए यूज करते हैं। अगर स्पीड की बात की जाए तो जो थ्री पॉइंट स्टार्टर है उसमें हम लिमिट स्पीड से कम स्पीड कर सकते हैं, लेकिन जो फोर पॉइंट स्टार्टर है इसमें लिमिट स्पीड से अधिक स्पीड कर दोनों कर लेते हैं, कम भी करेंगे और ज़्यादा भी करेंगे। अगर लिमिट स्पीड से स्पीड बढ़ाना हो तो हम क्या करते हैं, जो फील्ड है फील्ड के सीरीज में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है कि फ्लक्स मान घट जाता है। हम जानते हैं कि एन बराबर होता है 1/5, ठीक है, या 5 = 1/n, ठीक है। अगर हम फ्लक्स कम करते हैं तो स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे तो करेंट का मान कम होगा, और करेंट का मान कम होता है तो आई प्रोपोर्शनल फाई होता है, ठीक है, और फाई भी फ्लक्स भी कम होगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो फोर पॉइंट स्टार्टर का वहीं यूज करते हैं जहाँ पे हम लिमिट स्पीड से अधिक स्पीड और लिमिट स्पीड से कम स्पीड कर सकें, ठीक है। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।